महंगाई पर चर्चा नहीं होती है। देश का रुपया कमजोर होता जा रहा, आर्थिक व्यवस्था और कमजोर हो रहा है हमारे देश का। इन सारे मुद्दों को हटा करके जो है केवल नफरत की राजनीति की जा रही है। लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थानों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम देश की आवाज हैं, जो देश का दर्द है, जो देश की समस्याएं हैं, उस बात को जो है हम लोग सब लोग मजबूती के साथ उठाने का काम कर रहे हैं। पूरा देश तो देख ही रहा, मणिपुर के लोग देख रहे हैं क्या हो रहा, पूरा जल रहा है। और आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, अगर वहाँ बीजेपी पार्ट एंड पार्सल नहीं होता, कोई और विपक्षी दलों का राज होता और उस राज में इतनी बड़ी अगर घटना हुई होती तो कौन कौन एजेंसियाँ घुस गई होती और जो गोदी मीडिया है क्या क्या बोलने लगती। भाई अच्छे दिन आएंगे। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस नाम जो है ये रखा गया और शॉर्ट में अगर कहा जाए तो INDIA। इसका साफ तौर पे हम लोग बैंगलोर में सब लोग हम लोग उपस्थित रहे और इस पर चर्चा चली कि भाई अलायंस का जो है नाम क्या रखा जाएगा। तो सबके सहमति से ये नाम जो है रखा गया है, जो नाम आपको हमने बताया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये नामकरण जो है किया गया है। और मजबूती के साथ जिस प्रकार से मुद्दे की बात नहीं होती है, गरीब की बात नहीं हो रही है, बेरोजगार की बात नहीं हो रही, किसानों की बात नहीं हो रही, महिलाओं के साथ जिस प्रकार से शोषण सत्ताधारी लोग कर रहे हैं उस पर न्याय नहीं हो रहा है, महंगाई पर चर्चा नहीं होती है, देश का रुपया कमजोर होता जा रहा है, आर्थिक व्यवस्था और कमजोर हो रहा है हमारे देश का, इन सारे मुद्दों को हटा करके जो है केवल नफरत की राजनीति की जा रही है। तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोग जो हमारा देश है वो डाइवर्सिटी इसकी खूबसूरती है। यहाँ लोकतंत्र की जननी पूरे दुनिया में अगर माना जाता है तो इंडिया में माना जाता है, वो भी बिहार वैशाली में। और लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थानों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम देश की आवाज हैं, जो देश का दर्द है, जो देश की समस्याएं हैं, उस बात को जो है हम लोग सब लोग मजबूती के साथ उठाने का काम कर रहे हैं। चाहे मणिपुर की जो घटना कितना शर्मिंदा करने वाला ये वीडियो सामने आया है और वहाँ के मुख्यमंत्री क्या क्या बयान दे रहे हैं और भी शर्म की बात है। और इस बात पे एक बार ही नहीं, जो बेंगलुरु में जो मीटिंग हुई हम 26 दलों की, उसमें भी हम लोगों ने मणिपुर का इशू जॉइंट स्टेटमेंट में हम लोगों ने उठाने का काम किया। और आज भी पार्लियामेंट चल रहा है, वहाँ भी लोगों की बैठक हुई है और प्रधानमंत्री अब तक खामोश थे। अब तक वो गाली दे रहे हैं विपक्ष के लोगों को, अपने काम को नहीं गिनवा रहे, अपनी बात नहीं बता रहे। बताइए राहुल गांधी जी मणिपुर जाते हैं लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते हैं भाई? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस इंडिया? कौन है प्रधानमंत्री इस देश का? लेकिन जिम्मेवारी ज्यादा उनकी बनती सबों की है, लेकिन विपक्ष के लोग अगर राहुल गांधी जाते हैं वहाँ चीज़ों को समझते हैं, हालात में समाज में वहाँ तो